हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और नए हफ्ते की आज शुरुआत है। तारीख 11 मार्च। पिछला हफ्ता थोड़ा कई दिन मैं गायब रहा था, मैं चूँकि शूट पे चला गया था और वैसे भी इलेक्शन का डेट जो है वो डिक्लेयर हो गया अब तो, पूरा अप्रैल मई इलेक्शन के ही गर्मा गर्मी के माहौल में बीतेगा, तो हो सकता आने वाले वक्त में भी बीच में मैं गायब हो जाऊँ। लेकिन जब जब मौका मिलेगा मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से भी, अगर मैं कहीं बाहर हूँ दिल्ली के, तो भी कहानी सुना दूँ। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो इस वजह करने भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी। आज मैं कुछ लोगों के बहुत पुराने भी पेंडिंग थे, उनके मेल, कुछ मैसेज, कुछ सवाल नोट करके लाया हूँ, आखिर में आपको सुनाऊँगा। उससे पहले आज कहानी, चूँकि वक्त जो है इस वक्त क्राइम की स्टोरीज़ का है, आज मुझे लगा कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्साइटेड सुनाता हूँ। दुख भरी, खून खराबे, ये सब सारी चीज़ें, कहानियाँ तो सुनाता ही रहता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा भी, चंबल को लेके कई सवाल पूछे थे, तो मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा खुशनसीब बोलूँगा कि मुझे 3 बार चंबल के बीहड़ में जाने का मौका मिला। खुशनसीब इसलिए कहा कि मेरी भी बचपन से बड़ी तमन्ना थी डाकुओं के बारे में लिखना। जब पढ़ते थे, सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे, फिल्मों में देखते थे, तो मुझे लगता था इन डाकुओं का भी कोई घर होता है, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सारी तस्वीरें दिमाग में घूमती थी। तो जब पहली बार चंबल जाने का मौका मिला था तब बड़ा एक्साइटेड था उस वक्त भी, कि वही बचपन के दिन याद आ गए थे कि अब डाकुओं का घर देखूँगा। हालाँकि कोई घर नहीं होता है और डाकू घोड़े पर भी नहीं होते हैं, बेचारे बड़े पैदल चलते हैं, तो अजीब अजीब कहानी खैर सुनने का मौका मिला और देखने का भी। तो 3 बार गया था, एक बार बड़ा अजीब था जो गया था, वो मैं भूलूंगा नहीं। मेरी एक और टीम में हुआ करते थे, वो एक ब्रिजमोहन दुग्गल, बहुत पहले, वो भी बाकायदा वहाँ पे गए, पूरा इंटरव्यू किया, शूट करके आए। तो आज चंबल की कहानी, चंबल के आखिरी डाकू की मौत की कहानी है। चंबल में यूँ तो मतलब एक से एक डाकू हुए, और कहते हैं कि जब मुग़लों और अंग्रेज़ों का दौर था तब से ही ये चंबल बदनाम था, और लेकिन तब उनको कहा जाता था कि ये बागियों का पनाहगाह है, यहाँ पे बागी रहते हैं जो बगावत करते हैं, चाहे सरकार से, हुकूमत से, तो वो लोग वहाँ चले जाते थे। फिर धीरे धीरे ये डाकुओं का पनाहगाह हो गया, और कहते हैं कि चंबल एक नदी का भी नाम है, कि उस नदी के पानी की तासीर ही ऐसी है कि जो पीता है वो बागी हो जाता है, ये पुरानी कहावत है। लेकिन पूरा आपका भिंड हो, मुरैना हो, शिवपुरी, चित्रकूट, रीवा, इन सारे एक मतलब एमपी और यूपी के एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ ये इलाका है जिसे हम चंबल कहते हैं। चंबल का जो नक्शा है कायदे से वो एक समतल ज़मीन नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ पगडंडियाँ हैं वहाँ पे, और बड़े कांटे वांटे भी हैं और टीले हैं ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हुए। तो आम तौर पे जो डाकू होते हैं वो सबसे ऊपर जो टीला होता है वो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ताकि दूर से अगर कभी कोई पुलिस या कोई फोर्स आए तो उसके ऊपर नज़र रख सके। तो बहुत सारे यहाँ पे डाकू हुए, जिनको पहले हालांकि बागी भी कहते थे, और शुरुआत में चंबल में डाकुओं का ये था कि सिर्फ डाका डालते थे, डकैती करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदला तो इनका काम करने का तरीका भी बदला, फिर इन्होंने डाकाजनी के साथ साथ किडनैपिंग का धंधा शुरू कर दिया, ज़मीन जायदाद के झगड़े निपटाने लगे, इलेक्शन में इनका दखल बढ़ा, इलेक्शन में बाकायदा फतवा जारी होने लगा, चाहे वो सरपंच का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, तो डाकुओं के बड़े उसमें वो होते थे कि वो जो कहते थे लोग डर के मानते थे। इतिहास भी है, मान सिंह से लेके पान सिंह तोमर हो, फूलन देवी हो, पुतली बाई, बड़े बड़े सारे डाकू हुए यहाँ पे। आखिरी जो डाकुओं की जमात में जो सबसे बड़ा डाकू हुआ था, कहते हैं वो निर्भय गुज्जर था, बड़ी बड़ी मूछें और सब कुछ। निर्भय गुज्जर के बारे में ख़ास चीज़ ये भी है कि निर्भय गुज्जर इकलौता ऐसा चंबल का डाकू हुआ जिसको नाम, शोहरत, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। चंबल में बुला बुला कर टीवी चैनल पे और अखबार के रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया करता था, ख़ासतौर पे टीवी चैनल को, उसको टीवी पे आने का बड़ा शौक था और वो इंटरव्यू देता था।
तो एक तो निर्भय गुज्जर इस मामले में अलग था कि इसको चंबल में बुलाकर इंटरव्यू देना, दूसरा ये पहला एक ऐसा डाकू था जो अपनी गैंग में लड़कियों को रख के बड़ा खुश होता था। इसने चार चार शादियाँ की, इसके गैंग में बहुत सारी ऐसी जो फेमस डाकू हुई जिनमें सीमा परिहार, आप लोगों ने अगर बिग बॉस देखा हो तो एक सीज़न में आई थी, मुन्नी पांडे, पार्वती, चमको, सरला जाटव, नीलम गुप्ता, नीलम गुप्ता आखिरी बीवी थी निर्भय गुज्जर की, 13 साल की उम्र में नीलम गुप्ता को उसने किडनैप कर लिया था, फिर ज़बरदस्ती उसके साथ मारपीट की, उसके साथ बुरा सलूक किया और आखिर में शादी भी की। लेकिन नीलम गुप्ता बाद में इसी निर्भय गुज्जर के मुँहबोले बेटे के साथ भाग गई थी निर्भय गुज्जर के बहुत सारे पैसे लेकर, और तब गुस्से में निर्भय गुज्जर ने ऐलान किया था कि जो भी नीलम गुप्ता और उसके जो पति हैं दोनों ने शादी भी कर ली थी, मतलब निर्भय गुज्जर का मुँहबोला बेटा, तो वो 21 लाख रुपये इनाम देगा। हालाँकि वो दोनों हाथ नहीं आए, बाद में जेल से छूटे। तो निर्भय गुज्जर चंबल का कायदे से आखिरी डाकू था। निर्भय गुज्जर की कहानी ये कि एक चोरी के मामले में ये पकड़ा गया था, और ये बात है 1986-87 की, और इसके बाद पुलिस ने इसकी काफ़ी पिटाई की, तो इसको बड़ा गुस्सा आया और पुलिस से बदला लेने के लिए तब चंबल में एक लाला राम गैंग सक्रिय था डाकू का, उस गैंग को ज्वाइन कर लिया और बड़े जल्दी लाला राम के करीब हो गया। फिर बाद में लाला राम से कुछ मन मिटाव हुआ तो उसके बाद इसने लाला राम का गैंग छोड़कर अपना एक गैंग बना लिया, और धीरे धीरे ये थोड़ा सा अजीब टाइप का डाकू था, इसका कहर बहुत लोगों पे टूटता था और ये अजीब जालिम टाइप का भी था, ये एकदम बिल्कुल ही जालिम, जिनको मारता था, किसी के नाक काट लेता था, किसी के हाथ काट लेता था, किसी की उंगली काट लेता था। करीब 200 से ज़्यादा मर्डर और किडनैपिंग इन सब के मामले इसके ऊपर दर्ज थे, और एक दौर में इसका फिर आतंक ये हुआ था कि यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की पुलिस ने निर्भय गुज्जर के ऊपर 2.5-2.5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था, मतलब करीब 5 लाख रुपए का ये इनामी था। 86-87 में ये आया था लाला राम के साथ, और 97-89 तक इसका पूरी तरह से एक तरह से एक छत्र राज हो गया था चंबल में, और कोई इतना बड़ा इनामी डाकू था नहीं वहाँ पर, और ना कोई इतना नामी डाकू था। फिर धीरे धीरे इसने किडनैपिंग की दुनिया में कदम रखा, और वहीं से ये इसके पूरे गैंग, उसको वहाँ पकड़ कहते हैं, टेक्निकल वर्ड जो चंबल में डाकू ये सब करते हैं किडनैपिंग को, पकड़, तो ये लोग नज़र रखते थे कि कौन ऐसे अमीर लोग हैं, कौन दूर, इवन निर्भय गुज्जर इस मामले में भी एडवांस था कि वो शहर से भी लोगों को किडनैप करवा लेता था। तो ये सारी चीज़ चल रही थी, इलेक्शन में भी इसका दखल था। इसी बीच में 2003 की बात है, कुछ अखबारों में इसने इंटरव्यू दिया, फिर ये हम लोगों ने भी कोशिश की कि निर्भय गुज्जर का इंटरव्यू हो, उस तक फिर पहुंचा गया, जबकि इसके ऊपर इनाम है, आप ये देखिए कि पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन ये बुला बुला कर इंटरव्यू देता था। तो इसके ख़ास मुखबिर से बात हुई, मुखबिर ने लाइनअप किया, उसने कहा ठीक है हम आपको तारीख बताएंगे, आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद एक दिन उसने फ़ोन किया और भिंड पहुंचने के लिए कहा, ये पूरा चंबल का ही बेल्ट है। इत्तेफाक से भिंड में हमारे एक कैमरामैन जो है सुबोध सक्सेना, वो मध्य प्रदेश के, वो भिंड में ही ससुराल है, तो पहले भी हम लोग भिंड के शूट में जा चुके थे इसी चंबल के लिए, तो वहाँ गए। उसके बाद अब उसने कहा था कि आप भिंड पहुँच कर बस अपना फ़ोन ऑन रखना और उसके बाद हमारे मैसेज का इंतज़ार करना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ थी जो हिदायत दी गई थी, इंस्ट्रक्शन था, वो ये था कि इस पूरे शूट के बारे में और निर्भय गुज्जर से मुलाकात के बारे में आप और आपकी एक टीम जो कैमरा है, इसके अलावा तीसरा किसी को पता नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है पुलिस को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना आप ख़तरे में आ जाएंगे। तो अब एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर आपको इंटरव्यू करना है, उस तक पहुंचना है, तो आप ये रिस्क मोल भी नहीं लेंगे। तो ये मैसेज क्लियर था, बट ये बड़ा मन में था कि आखिर जिसके इतना इनामी डाकू है उस तक कैसे पहुंचे, और दूसरी बात ये कि अगर एक मीडिया के लोग उस इलाके में पहुँचते हैं तो क्या पुलिस और पुलिस के मुखबिर को पता नहीं चलता कि हाँ ये लोग आए हुए हैं, और इससे पहले भी निर्भय गुज्जर इस तरह से इंटरव्यू देता रहा है, तो उसको फॉलो करके आराम से निर्भय गुज्जर तक पहुंच सकते हैं, ऐसे तमाम ख्याल थे कि कैसे मतलब पुलिस अनजान रहेगी। खैर भिंड पहुंचने के बाद यही था कि बस इंतज़ार करो,
कब फ़ोन की घंटी बजे, कब मैसेज आए। उसके बाद अच्छा तब उस वक्त 2002-03 की आपको बात जो बता रहा हूँ, ये नया नया ये सब मोबाइल था एक तरह से, और ये फ़ोन टैपिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी दूर की बात थी जितना आप होता है ये रिकॉर्डिंग और सब। और अपनी पुलिस के लिए तो खैर तब भी ये सब चीज़ें बड़ी कोसों दूर थी। तो वहाँ पहुँचने के करीब 24 घंटे बीत जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई ख़बर नहीं। लगा कि बेवकूफ़ बना दिए गए हैं, लेकिन यह कि इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद फिर अचानक एक लोकल नंबर से फ़ोन आता है, वो नंबर भिंड का ही था, और भिंड में एक ख़ास एक दुकान है मिठाई की, वहाँ पे कहा जाता है कि आप इतने बजे पहुँचिए। और जिस वक्त फ़ोन किया था गया था उससे करीब उन्होंने एक घंटे बाद का वक्त दिया था, और वो जो पता बताया था जहाँ पहुँचना था वो दूरी मुश्किल से 10-15 मिनट की थी, तो बस वहाँ पहुँच जाइए। और ये भी कहा गया था कि कैमरा और माइक आप मतलब ओपन नहीं करेंगे, छुपा के रखिएगा, ये ना पता चले कि आप जर्नलिस्ट हैं। और ये खैर उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर इंतज़ार तय एक घंटे के बाद पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद अगला आधा घंटा बीता, एक घंटा और बीता, 2 घंटे हो गए वहीं खड़े हुए, कई कप चाय पी चुका, मिठाई भी खा ली। हर आदमी जो गुजरे और अगर आई कांटेक्ट हो थोड़ी देर के लिए भी तो लगे कि शायद यही है यही है। ये भी था कि ज़रा देखूँ मुखबिर भी कैसा है, क्या कैसा दिखता है। खैर हाँ, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जब आप आएंगे तो आप उस दुकान पे अपनी गाड़ी से नहीं आएंगे, आप रिक्शा और बाकी कुछ भी पकड़ेंगे अलग, और अपनी गाड़ी से नहीं आएंगे। तो हम लोग पैदल भी थे, गाड़ी भी नहीं थी, तो दुकान के पास ही खड़े हुए बैठे थे। ये भी था कि कैसे पहचाने का, क्योंकि उसने कुछ पूछा नहीं था कि आप क्या पहने हैं, किस रंग का कपड़ा पहने हैं। करीब 1.5 घंटा और बीत जाता है, 1.5 घंटे के बाद अचानक एक शख्स वहीं पे आके चाय पीता है। चाय पीते पीते वो करीब आता है, और जैसा फिल्मों में होता है कि ऐसा लगता है कि वो आ तो हमारे पास रहा है लेकिन उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं, कहीं और है। और वो बिना देखे हुए, जैसे मैं अगर ऐसे बैठा हूँ वो यहाँ खड़ा है तो उसका मुँह उस तरफ है डायरेक्शन, और वो बोलता है आप आज तक से ये जी। इतना कहने के बाद वो ग्लास रखता है, बस उसने इतना कहा था आप जो कहूँगा आप वो करते जाना। थोड़ी देर के बाद एक वहाँ पे जो लोकल 3-व्हीलर टाइप गाड़ी चलती है, एक आके रुकती है, वो इशारा करता है इसमें बैठ जाओ, तो कैमरामैन के साथ उसमें बैठा जाता है। अब वो गाड़ी चल पड़ती है, पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से शायद वो आ रहा था। अब हमें बैठा तो गया था, ये नहीं बताया था कि उतरना कहाँ। उसके बाद हम चले जा रहे हैं जहाँ पे आखिरी वो शायद इसका स्टॉपेज था, अलग अलग सवारी को और भी सवारी बैठे वो, तो वहाँ हमें उतारा। हमारे पास एकदम कोई चारा नहीं, फिर भी हमें यह है कि हम पे शायद नज़र है, इसी उम्मीद पे चले जा रहे थे। तो आखिरी में जहाँ पे गाड़ी रुकती है, पैसे देते हैं, उतरते हैं, फिर वहाँ पे अब 10-15 मिनट यूँ ही खड़े हुए हैं, और कोई अता पता नहीं कि अब कौन आएगा। तब एक दूसरा शख्स आता है, और बस वो यही धीरे से बोलता आज तक। उसके बाद वो उसके वहीं पे इशारा करता रुकने के लिए। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है, पुरानी एक जीप टाइप की, तो उसमें बैठाया जाता, उसमें ऑलरेडी 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। अब वो गाड़ी चलती है, अब भिंड तक का शहर का तो मालूम था, उसके आगे का हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये कौन सा इलाका क्या है। चले जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे गाँव पड़ते हैं, फिर एक जगह एक गाँव पर गाड़ी रुकती है, और उसके बाद वहाँ पे एक दुकान थी चाय की, इशारा होता है कि आप लोग चाय पीजिए, चाय पीने लगते हैं। अब तक अब शाम होने जा रही थी, इसके बाद चाय वाय पीने के बाद अब यह है कि अब आगे का पता नहीं क्या होगा। पर वहीं बैठे हुए इतनी देर में यह एहसास हो गया था कि हम लोगों के ऊपर तो नज़र है ही है, साथ में जो लोग हमको लेकर चल रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि हमारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा, हमारा पीछा तो नहीं किया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताना भूल गया आपको, कि वो जब गाड़ी में उनके बैठे, उसके बाद हमारा मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें उनके पास, सिर्फ हमारा इक्विपमेंट जो कैमरा और माइक और ये सारी चीज़ें लाइटिंग लाइट वाइट वो हमारे पास थी। उसके बाद उसी दुकान में फिर चाय वाय पीने के बाद एक चौथा शख्स आता है, एक तीसरी गाड़ी होती है उसमें बैठाया जाता है, उसके बाद फिर सफ़र शुरू होता है।
वो ले जाता है, फिर कई गांव पार करते हुए एकदम एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। वहां पे एक और छोटी सी चाय की दुकान, बट उस दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा भी था, तो इशारा होता है अंदर चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद पहली बार वो बैग में सारी तलाशी लेते हैं, लाइट वाइट, ये फ़ोन तो ले ही चुके थे। अच्छा, उन्हें भी ये पता था कि हाँ ये इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो कोई हथियार वथियार तो लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ वो तसल्ली करना चाहते थे कि हम हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा, हमने किसी को बताया तो नहीं। तो ये सारी कवायद होने के बाद अब लगभग अंधेरा होने वाला था। इसके बाद वहाँ से अब हमें फिर एक गाड़ी में बैठा कर आगे ले जाया जाता। अब अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इतना पता है। और इस बार करीब 45 या 40 मिनट गाड़ी चलने के बाद एक जगह गाड़ी रुकती है, हम लोगों को उतरने को कहा जाता है। और उतारने के बाद एक अब पगडंडी पे चलना शुरू हो गया था और अंधेरा, तो वो हमारे आगे आगे और हाथ पकड़ के और हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, हम दो वो तीन। चलते चलते इसके बाद ऊंचाई पे जाने के बाद कई जगह पे, अब चूँकि हम लोगों को आदत नहीं है ऐसे चलने की और वो तेज़ तेज़ रास्ता उनका जाना पहचाना, तो जाहिर सी बात है जल्दी थक भी जाते थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की तो फिर थोड़ा थोड़ा आराम, लेकिन ये कि जल्दी आगे निकलना आगे निकलना। फिर एक बहुत ऊंचाई पे ले जाने के बाद तब तसल्ली से कहा कि अब यहाँ जितना बैठना है आप बैठ जाओ। जब वहाँ बैठे तो उसके बाद अब चूँकि रात, चाँद भी एकदम साफ, आसमान में तारे भी दिख रहे थे, तो वहाँ से फिर रोशनी हम लोगों को पहली बार दिखाई दी। तो ऊपर से एकदम साफ, नीचे की दूर दूर तक, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है दिख सकता था उस चांद की रोशनी में भी। इसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमें ले जाया गया भाई आड़ी टेढ़ी पगडंडी, और करीब करीब 1.5 से 2 घंटे के वॉक के बाद, चलाने के बाद पहली बार कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ बहुत सारे लोग, हमें लगा कि हम पहुँच गए हैं। उनके बीच में फिर रखा गया, पूछा गया खाना खाएंगे, हमने कहा कि चलो ये भी देखते हैं ये लोग डाकू लोग खाना क्या खाते हैं। तो वो चावल सब्ज़ी रोटी अचार ये सब कुछ था, तो खाया हम लोगों ने। और फिर कहा गया कि अब यहीं रहना है। हमारी भी हिम्मत नहीं थी कि अब आगे जाएं, इतना चलें, वैसे ही पैदल काफ़ी चल चुके थे, तो ये था कि चलो अब पिकनिक ही मनाते हैं, ऐसा ही माहौल है। अच्छा, ये भी था कि थोड़ा डर भी है, लेकिन ये भी है कि नहीं, उस आदमी का शौक है टीवी पे आना, तो इंटरव्यू पक्का देगा, और इतनी दूर चल कर आए हैं तो ऐसे नाकाम होके भी नहीं जाना चाहिए। तो खैर, इसके बाद रात वहीं पे गुजरी, जाहिर सी बात है नींद तो आएगी नहीं। और सुबह सुबह मुझे लगता है कि उस वक्त तो एग्जैक्ट मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन सूरज नहीं निकला था, 4-4:30 बजे होंगे। तो फिर कहा गया कि अब चले। उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद इस बार थोड़ा सा शॉर्ट था, ले गए तो पता चला कि वो पहला जो था वो एक तरह से उनका सिक्योरिटी पॉइंट था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद असली अड्डे पे हम पहुंच चुके थे, एकदम ऊंचाई पे टीला, वहाँ सारे लोग। अब हमें हमारे बेसब्री से था कि भाई इससे मिलने आए, उससे पता नहीं कब मुलाकात होगी, उसके दर्शन कब होंगे, कब देखने को मिलेगा, जो फ़ोटो में अखबारों में टीवी पे देखता हूँ वैसे ही दिखता है या अलग दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मन में जिज्ञासा थी, इंतज़ार थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद वो घड़ी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वही अपने चिरपरिचित अंदाज में, हाथ में वही इतना लंबा जो स्टेन गन, वो लिए हुए और निर्भय गुज्जर, जैसा टीवी और अखबारों में दिखता था लगभग सेम वैसे ही हमारे सामने। और फिर वो अपनी वहाँ की एक ख़ास बोली होती है, उस बोली में फिर वो नमस्कार प्रणाम, मतलब बड़े ही आदर के साथ सब कुछ। लेकिन फिर वो बाकी लोगों से पूछता भी है, जो जो लोग आए थे वो कंफर्म करना चाह रहा था कि कोई है तो नहीं, किसी ने पीछा तो नहीं किया। तो जब तसल्ली हो जाती है, इसके बाद तसल्ली से फिर वो बैठता है, बातचीत होती है, उसका कहता है अब आप यहीं आराम करें। अब उन लोगों के कुछ और भी चीज़ें होंगी, तसल्ली भी करनी थी। तो पूरा दिन जो है उसके बाद, उस दर्शन के बाद और कुछ हुए नहीं निर्भय गुज्जर से मुलाकात के बाद। हाँ, बीच में दोपहर के बाद फिर एक दो और वो ठिकाना बदला गया। तो ये लोग पता चला कि हर कुछ घंटे में ज़रा सा भी कुछ आहट होती या कुछ शक होता तो ये ठिकाना बदलते हैं और हमेशा ऊंचाई की तरफ जाते हैं। तो ये बदलना, फिर दोपहर का खाना, इन सारी चीज़ों में शाम हो गई, फिर अंधेरा।
हम लोगों ने एक बार बात भी की कि दिन की रोशनी में इंटरव्यू कर लें तो लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हुआ कि नहीं। शाम को शाम हुई, उसके बाद फिर आमना सामना हुआ, फिर कैमरा खुला, फिर जितने सवाल थे मन में सारे दागे गए, जवाब मिला। फिर वहाँ पे उनका जो एक ख़ास था कि इतना एरिया में आप बस शूट कर लो, और उससे पहचान नहीं आ सके कि ये एग्जैक्ट ठिकाना कहाँ है। अच्छा, चंबल की हर पगडंडी एक जैसी लगती है, हर इलाका एक जैसा आपको लगता है, घूम फिर के आप वहीं आ गए। तो वो सारी चीज़ें हुई, करीब 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जितनी कहानी पूछनी थी वो पूछी, जो सुनना था वो सुना, क्राइम की दुनिया में कैसे, किडनैपिंग क्या क्यों, उसकी शादी के बारे में, खूबसूरत जो लड़कियों को उसने अपने गैंग में रखने का शौक था उसके बारे में, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, पूछताछ हुई। उसका जब सब कुछ ये ख़त्म हो गया तो ये था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को वापस ले जाना है, तो फिर वैसे ही जाना था। तो सुबह सुबह जब रवानगी थी तो इनका एक रिवाज है, 1001 रुपये बतौर शगुन निर्भय गुज्जर डाकू ने दिया, कैमरामैन को दिया, और उसके बाद फिर विदाई हुई। और वैसे ही लोग लेकर आए, अलग अलग खेप में उन्होंने छोड़ा, और पहला एक कोई और लेकर आया, उसने कहीं और रोका, फिर दूसरा आया, फिर आधे रास्ते के बाद वो चला गया, तीसरा आया। और मुझे लगता है कि वो जो जो लोग छोड़ रहे थे वो बाद में बाकायदा फॉलो कर रहे थे कि और तो कोई है नहीं, और ये करते करते फिर वापस भिंड तक उसी रास्ते से आए, और भिंड में उसी जो मिठाई की दुकान थी आखिरी वहीं पे छोड़ा गया, और उसके बाद फिर ये कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ये पूरी 2 दिन की जर्नी थी जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, डर भी लगा, लेकिन एक तरह से एक्साइटमेंट भी था। और ये सारी चीज़ें हुई, डाकुओं की ज़िंदगी देखी, खाना देखा, खाना खाया, लेकिन बाद में ये इस पूरे इंसिडेंट के करीब करीब 2 साल के बाद निर्भय गुज्जर एसटीएफ के हाथ 2005 में मारा गया। तो स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की थी जिसको ये दिया गया था। हुआ क्या था कि ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब 2003 की, तो निर्भय गुज्जर को चस्का लग गया था पॉपुलैरिटी का, टीवी पे आने का, इंटरव्यू देने का, अखबारों में जर्नलिस्ट को बुलाकर देने का। तो इससे एक तरफ वो अपना वो बखान और ये सारी चीज़ें कर रहा था, सफाई भी दे रहा था कि मैंने ये नहीं किया, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ उसके इस सारे इंटरव्यू से सरकार भी दबाव में थी, क्योंकि वो सरकार के लिए भी बातें करता था, चुनाव की भी बातें करता था। तो इसी दौरान 2005 में क्या हुआ, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं वो नंबर 2 थे एक तरह से। तब अखिलेश यादव बहुत राजनीति में शायद आए भी थे, तो नए नए होंगे। तो कई जगह निर्भय गुज्जर ने ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव के बारे में कि वो तो हमारे मतलब सब कुछ है, और शिवपाल यादव के बारे में कहते कि वो मेरे बड़े भैया हैं। तो विपक्ष ने इस पर बड़ा चुटकी ली और बड़ा घेरा सरकार को, कि एक डाकू कह रहा है एक मंत्री को कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और ये भी कहा कि अगर मुलायम सिंह नेताजी चाहें तो मैं समाजवादी पार्टी की साइकिल को चंबल में भी दौड़ा दूंगा। तो इन सारी चीज़ों से बड़ी निगेटिव एक इमेज बनी समाजवादी पार्टी सरकार की, और इसी से कहते हैं कि शिवपाल यादव ने नाराज़ होकर बाकायदा एसटीएफ से कहा था कि निर्भय गुज्जर का किस्सा ख़त्म करो, ऑलरेडी 2.5 लाख रुपये का इनाम था उसके सर पर। फिर एसटीएफ की टीम गई, और एसटीएफ की टीम ने वहाँ पे डेरा डाला चंबल में, और डेरा डालने के बाद एक एक करके करीब इसके 40 से 50 जो ख़ास लोग थे, पहले उनको ठिकाने लगाया, उनको मारा, और उनको मारने के बाद अब निर्भय गुज्जर कमज़ोर होता जा रहा था। और 2005 में ही फिर इनकी मुखबिरी भी थी पुलिस की पूरी बेहतरीन। तो एक वहीं पे छतरपुर का एक बिजनेसमैन है जिससे मिलने के लिए, जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि निर्भय गुज्जर अपने पैसे वहाँ रखवाता था। तो जब उसको लगा कि अब उसके सारे साथी मारे जा रहे हैं और बुरे दौर शुरू है, तो शायद वो उस बिजनेसमैन से अपने पैसे वैसे लेकर वहाँ से कहीं और निकलना चाह रहा था, शायद हुलिया भी बदल लेता। लेकिन उस छतरपुर के बिजनेसमैन से मिलने की खबर एसटीएफ को लग गई, और एसटीएफ ने पूरा जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद जैसी, और ये भी कहते हैं कि उस बिजनेसमैन ने भी एसटीएफ से मुखबिरी कर दी थी।
तो खबर पक्की थी, निर्भय गुज्जर वहाँ पहुँचता है और उसके एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा जाता है। जब उसका एनकाउंटर हुआ उसके बाद फिर मैं गया था चंबल, और पूरे एनकाउंटर की जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो सारी चीज़ें कवर की थी। तो मुझे फिर उस वक्त यही ख्याल आया था कि अगर निर्भय गुज्जर इस तरीके से पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना पड़ता, मीडिया को अपने चंबल में ना बुलाया होता और इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें या डींगे ना हाँकता, तो शायद इतनी जल्दी नहीं मरता। बल्कि हो सकता था सरेंडर वरेंडर करने के बाद में वो बरी भी हो जाता, फिर चुनाव भी लड़ लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बड़बोलेपन ने उसे मार डाला और उसकी कहानी ख़त्म हो गई। इसने 4 शादियां की थी निर्भय गुज्जर ने, और नसीब ये है कि उसकी हर बीवी ने, या तो ये भी है कि इसने धोखा दिया, बस हर एक को अलग अलग उठाकर ज़बरदस्ती करके उसने शादी की थी, बट चारों बीवियों ने इसे छोड़ दिया और वो अलग अलग भाग गई थी। तो इन चीज़ों से भी वो बड़ा बेचैन और परेशान रहता था, और दूसरा ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं था। लेकिन गैंग में लड़कियों को रखने का शौक़ था, तो एक लड़कियों को रखने का शौक़, कहते हैं उन लड़कियों ने भी जब एसटीएफ ने वहाँ पे ये शिवपाल यादव के कहने पे 2005 में मोर्चा संभाला था, तो उसकी सारी जो एक्स वाइफ थी उनसे भी काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठी हासिल की गई थी, और वो भी बड़ा काम आया निर्भय गुज्जर को पकड़ने में और मारने में। तो ये भी उसके ख़िलाफ़ गया। तो 2005 में निर्भय गुज्जर मारा गया, उसके बाद कुछ छोटे मोटे ऐसे डाकू वहाँ पे चंबल में फिर भी आए, लेकिन निर्भय गुज्जर जैसा जो आखिरी, अगर चंबल की मैं इतिहास की बात करूँ या विरासत की, जो बड़े बड़े नामचीन डाकू हुए और जो इतने बड़े इनामी भी हुए, तो उसमें निर्भय गुज्जर आखिरी उस जमात का डाकू था। उसके कद का डाकू उसके बाद नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये भी है कि अब चंबल के जो आसपास जितने गांव हैं, करीब 250-250 गांव अलग अलग लगते हैं, उन सारे गांव में अब पुलिस का नेटवर्क अच्छा हो गया है। कोई बागी बन जाता है या बगावत करता है तो ऐसे लोगों पे के प्रोफाइल पे भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस अब थोड़ी एक्टिव भी हो गई, इसके अलावा थोड़ी टेक्निकल भी सॉलिड है, तो अब वो सारी चीज़ों पर भी नज़र रखती है। तो इसलिए अब ऐसे कोई बड़े गैंग फल फूल नहीं रहे, हालांकि वहाँ किडनैपिंग, छोटे मोटे क्राइम आज भी हो रहे हैं। इवन एक जो ये एक लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली से अगर आप जाते हैं तो एक ताज एक्सप्रेसवे है, और वहाँ से 300 किलोमीटर लखनऊ है, बड़ा ही अच्छा है वो पूरा रास्ता, मतलब दिल्ली से 5 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। और मैं उससे 3-4 बार हाल में जब भी लखनऊ गया हूँ, उसी बाई रोड गया हूँ, तो सड़क बहुत अच्छी है और आप आराम से 3 घंटे 300 किलोमीटर पूरी कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से चलाएंगे तो। लेकिन जैसे ही ये वाला जो बेल्ट आता है आगरा के बाद, जो चंबल को टच करता है, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि आप शाम को या अंधेरा होने के बाद आप अकेले गाड़ी में ना जाएं, बल्कि वो जो चेक पॉइंट है वहाँ से पुलिस क्या करती है कि आपके गाड़ियों के काफ़िले को रोक लेती है, और 8-10 गाड़ियाँ जब इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर उनके साथ पुलिस चलती है और वो वाला पॉइंट आपको क्रॉस करा देती है। तो ये खौफ तो आज भी है उस चंबल के बेल्ट का, लेकिन अब चंबल में वैसे डाकू नहीं रहे जो एक इतिहास रहा था। तो ये थी पूरी कहानी। और नहीं, फ़ोन मिल गया था, चूँकि फ़ोन उन्होंने कहा था कि आप लेके नहीं आएंगे, तो फ़ोन हमने बाहिफाजत रख दिया था, और वो फ़ोन हम, चूँकि ये बात ट्रस्ट की थी, हमें उन पे ट्रस्ट था, उनको मुझ पे ट्रस्ट था, लेकिन ये कि ख़तरा होता, बस ये था कि कहीं हमारी इस जान इसकी पूरी कहीं लीक हो गए और गलती से पुलिस को पता चल गया और पुलिस पीछे आ गई, तो बेवजह हम लोग मारे इसलिए जाएंगे कि लगेगा कि डबल क्रॉस किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, डबल क्रॉस कुछ था नहीं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी नहीं। और हालांकि हाँ, उसके बाद आने के बाद फिर पुलिस से बातचीत हुई, तो सच बताया था कि कहाँ कहाँ कैसे पगडंडियों से गए थे। अब चूँकि वो चंबल में अगर मैं आपको 10 बार भी ले जाऊँ और एक पूरा इलाके में आपको दिन की रोशनी में 10 बार घुमा दूँ, तो भी आप नहीं बताएंगे कि आप पहली बार कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हैं, क्योंकि वो उसका पूरा जो जोग्राफी है, उसका नक्शा ही कुछ ऐसा है, तो वो उसके लिए ब्रीफ करना भी पुलिस को बड़ा टेढ़ा काम है कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ। हाँ, भिंड से कुछ लोग आए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ ये आप बेसिक बता सकते हैं। तो खैर, ये थी, अब मैं आगे आप लोगों का सवाल लूँ, उससे पहले मैंने कहा था कि कुछ नोट करके लाया हूँ, बहुत सारे लोग तो गुस्से में भी थे, उनमें से एक शिवा मिश्रा जी बड़े गुस्से में कि आप बड़े गायब रहते हैं आजकल, तो मैंने बताया शुरू में कि मैं शूट पे था। गौरव वर्मा और सुषमा वर्मा जी हैं, क्राइम तक की ये फैमिली मेम्बर हैं,
और हमेशा तारीफ करती रहती हैं, और इनका मेल पढ़ा अच्छा लगा, गौरव जी थैंक यू वेरी मच। सूरज पासवान है, करीना संतोष, हरबीर सिंह बरार हैं। आज आपने शुरू में नोट किया होगा कि जब मैंने कहा गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल भी, तो हरबीर सिंह बरार जी ने कहा था कि आप सब कुछ बोलते हैं, कभी सत श्री अकाल नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है हरबीर जी, शायद ज़ुबान पे है, और बल्कि मेरा अपना मानना है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का धर्म या रिलीजन या मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। किसी को विश करना ज़रूरी नहीं कि मैं सलाम करूं तभी मैं किसी की इज्जत करता हूं। जो दिल से आ जाए वही सही है। और मैं अगर वैसे भी विश करूं और पीठ पीछे गाली दूं और बुरा सोचूं, वो ज़्यादा गलत है, लेकिन आपने फिर भी ध्यान दिलाया तो आइंदा हमेशा याद रखूँगा। टेंजिन गेडुन है, अगर GEDUN, मैं इनको अगर गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो, टेंजिन गेडुन, इन्होंने कल बड़ा अच्छा मेल भेजा। ये तिब्बत से हैं, दिल्ली में रहती हैं शायद, और इनका कहना था कि इनको अपने देश की बड़ी याद आती है, वहाँ पे जो कुछ है, और ये मैं समझ सकता हूँ जो इन्होंने बड़ा इमोशनल मेल लिखा था। तो टेंजिन से मेरी दुआ ये है कि आप लोगों का भी अपना जो सब कुछ आप चाहती हैं ज़रूर मिलेगा। अमरेंद्र पाती, कालीचरण, यश मिश्रा, रेखा बाने, आमिर खान, इन्होंने पूछा कि आप ज़िंदगी भर क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, क्या आपको डर कभी सपने में डर नहीं लगता या वैसे नहीं लगता? मैंने कई बार कहा लगता है, मैं भी इंसान हूँ। दूसरा ये कि क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए कभी आपने इसका फ़ायदा हुआ आपको या उठाया? हाँ, कई बार फ़ायदा मिल जाता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा आमिर साहब। कई बार रेड लाइट गलती से अगर जल्दी में हो, जम कर लिया, तो पुलिस वाले पहचान लेते हैं, तो बेचारे चालान नहीं करते, ये फ़ायदा हो जाता है, तो कुछ पैसे बच जाते हैं। प्रियंका चौहान है, दो लोग हैं, एक प्रियंका चौहान, एक साक्षी मित्तल, इन्होंने ये लिखा और बाकी कई और लोगों ने भी लिखा था, पर आखिरी मेल मैंने इन दोनों का देखा कि मैंने जो रॉ के ऊपर स्टोरी सुनाई थी और पाकिस्तान और वो जो सारी चीज़ें, तो इन लोगों की ये थी कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन देकर ठीक नहीं कर रहा हूं, और मुझे नहीं देना चाहिए। तो मैं प्रियंका जी और साक्षी जी आपसे यही कहूंगा कि मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और ये जो आपको मैंने बताया था पूरा कि किस तरीके से हमारे रॉ के जो एजेंट थे पाकिस्तान में, वो कैसे मारे गए, पकड़े गए एक ज़रा सी गलती से, इस पे ऑलरेडी सारी किताबें हैं। रॉ के जो एक चीफ हैं उन्होंने सब कुछ लिखा है, आपके सारे सोशल मीडिया पे है, तो मैंने कोई इसका खुलासा करके मतलब नुकसान पहुँचाने का काम नहीं किया है। मैंने उतनी ही चीज़ें बताई हैं जो ऑलरेडी पहले से थी, और मैं आइंदा कभी भी जो ऐसी चीज़ें हों जो सीक्रेट हों, जिसका खुलासा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसको फॉलो करूँगा। लेकिन आप लोगों की ये चिंता मुझे अच्छी लगी, कम से कम आप लोग इतना सोचते हैं हमारे जो एजेंसीज़ के लोग हैं उनके लिए। एक रॉबिन डे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा मेल लिखा है, स्क्रिप्ट भी इनकी बहुत अच्छी है, अच्छा लगा, थैंक यू रॉबिन जी। पवन चौधरी, आशीष मेहता, बबीता भारती, सुखपाल यादव हैं, ये CRPF में हैं, और इनका ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके पेंशन को लेके ध्यान नहीं देते। मैं कोशिश करूँगा सुखपाल जी की इस इशू को मैं किसी दिन अपनी स्टोरी में उठाऊँ। दिव्या प्रतीक हैं, कविता सूद, हुमैरा अंजुम, इसके अलावा सुम्मी शर्मा, आप लोगों ने लिखा था, बहुत सारे थे जिसमें से मैंने कोशिश की कि कुछ नोट करके ले आऊँ। अब मैं आसिम से कहूँगा, बताओ सर। शिवा मिश्रा जी, सर शिवा मिश्रा जी कह रहे हैं कि अब सर मेरी नाराजगी को आप गुस्सा मत कहिए, आई ऑलवेज लव यू। अच्छा शिवा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन आपने ऊपर ही टाइटल लिखा था गुस्सा, तो गुस्सा जायज़ भी है क्योंकि मैं 2-3 दिन तक गायब था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। थैंक यू वेरी मच। सर अभी चौधरी जी का सवाल है, सर जी हम UP के बाहुबली राजा भैया और बाहुबली के बारे में जानना चाहते हैं। मैं राजा भैया की तो पूरी अपनी एक एपिसोड है, कहानी है, मैं कोशिश करूंगा इसी वीक आपको ज़रूर सुना दूँ। सर एक हेलो ब्रदर नाम से आईडी है, सर वो पूछ रहे हैं कि स्टोनमैन मर्डर और बियरमैन मर्डर केस के बारे में थोड़ा बताइएगा कभी। स्टोनमैन, बियरमैन, ये पूरे सीरियल किलर की कहानी है, मैं इसके भी आपको जल्दी पूरी डिटेल के साथ सुना। सर एक जनरल सवाल है कि अजीत डोवाल के ऊपर जो कांग्रेस ने फोटो वायरल किया, तो उनका क्या रोल था कांदर हाईजेक में, और उन्होंने रॉ के एजेंट रहते हुए क्या क्या काम की, उसकी भी कहानी बताइए। देखिए कई लोगों ने कहा अजीत डोवाल के ऊपर पूरी स्टोरी, अजीत डोवाल की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज किसी ने पूछा कि कांधार हाईजेकिंग में क्या रोल था। जब ये अपनी इंडियन एयरलाइंस IC-814 को हाईजैक किया गया था काठमांडू एयरपोर्ट से, जिसकी मैंने आपको कहानी भी सुनाई है, तो
तो उसके बदले में 35 टेररिस्ट की रिहाई की मांग की गई थी, जिसमें बाद में समझौता 3 पे हुआ, जिसमें एक मसूद अज़हर था, पहला नाम उसी का था, और बाकी कुछ डॉलर्स की मांग की गई थी। तो पैसों का तो पता नहीं, लेकिन ये 3 लोगों को उस वक्त समझौता हुआ था, चूँकि हमारे करीब 148 या कुछ मुसाफिर थे उसमें जिनकी जान बचानी थी। तो समझौते के बाद कांधार में जो है इन 3 टेररिस्ट को लेकर जाए वहाँ पर पहुँचे थे हम लोग, मसूद अज़हर और बाकी 2 और थे। तो उस वक्त के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, वो और उनके साथ अजीत डोभाल गए थे कांधार इन लोगों को लेकर। तो अजीत डोभाल और जसवंत सिंह साथ गए थे यहाँ से प्लेन में दिल्ली से कांधार तक, और इनको वहाँ पे छोड़ा और फिर बाकी पैसेंजर को लेकर आए थे। ये उनका वहाँ पे रोल था। सर प्रेरणा गुरंग जी हैं, वो दार्जिलिंग से आपको देखनी है और स्कूल टीचर हैं सर, आपके शो को बहुत पसंद करती हैं। सर उनका एक सवाल है कि मुझे समझाइए कि जब भी अप्रिय घटना होती है तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होता है? मतलब कोई भी कहानी सुनते हैं तो आप सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है आपका? एक्चुअली मैं आपको क्या जवाब दूँ, आपने मुझे उलझा दिया कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, इंसिडेंट होता है, तो क्या सोचता हूँ। मैं सच बताऊँ तो दिन भर यही सोचता रहता हूँ जब दफ्तर आता हूँ या घर पर होता हूँ, कि आज कुछ ऐसा ना हो जिससे फिर तकलीफ भी हो, और दूसरा फिर एक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ चलने लगती है। जैसे मैं उसको आपको कैसे एग्जांपल देके बताऊं, आप चलिए मैं ऐसे बताता हूं कि ये 14 फेब, अभी जो 14 फरवरी गुजरा है, उस दिन वैलेंटाइन डे था, तो सुबह से सब कुछ ठीक था, ऑफिस में भी माहौल बहुत अच्छा था। फिर ये भी था कि आज वारदात, हम लोग हालाँकि मेरी प्रॉब्लम है क्राइम रिपोर्टिंग करता हूं, तो खूनी लव स्टोरी पे कुछ बनाएंगे पुराने। बट अचानक शाम 4 बजते वो पुलवामा अटैक की खबर आ गई, और जाहिर सी बात है उसके बाद अगला फिर 10-15 दिन तो यूँ ही निकल गया, सुबह से शाम तक पुलवामा अटैक, दिन फिर बदला, फिर बाकी चीज़ें, फिर हमारे शहीदों की जो वहाँ से सारी चीज़ें आई वो। तो एक मतलब लगता है कई बार सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ना हो तो बेहतर है, और क्यों नहीं सब सुख शांति से रहते हैं। बट सोचने से कुछ नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि किसी ने कहा था कि इस दुनिया में जब तक 2 आखिरी इंसान ज़िंदा होंगे तब भी क्राइम होगा, क्योंकि वो 2 होंगे। तो अभी तो खैर अरबों हैं पूरी दुनिया में, खरबों हैं, तो ये होता है, लेकिन बुरा लगता है जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है। सर रेखा उपाध्याय जी बोल रही कि सर पान सिंह तोमर भी क्या डाकू थे, क्या उनकी कहानी क्या है? पान सिंह तोमर डाकू थे, और इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा, इरफान उनमें एक्टिंग भी की थी। और ये पान सिंह तोमर सूबेदार थे सेना में, और फिर वो पूरी कहानी है कि कैसे वो बागी बने और उसके बाद फिर डाकू। तो पान सिंह बल्कि तोमर की पूरी कहानी है जो आपको सुनाने लायक है, मैं एक दिन सुनाता हूँ आपको। सर RR म्यूज़िक नाम से आई डी है सर, पूछ रहे हैं सर डाकू और बागी में क्या अंतर है? एक्चुअली डाकू जो शब्द है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये मुग़लों और अंग्रेज़ों के दौर से ही चंबल में लोग जाना शुरू हुए थे, क्योंकि वो इलाका ऐसा कि वहाँ पे एक तरह से भूल भुलैया टाइप है, पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो लोग भाग जाते थे और वहाँ जाके रहते थे, छुपते थे। शुरू में बगावत करके जैसे अंग्रेज़ों के डर से या मुग़ल सल्तनत के आप खिलाफ हुए तो वहाँ चले गए, वहाँ अपने अपना परचम उठा दिया। बाद में धीरे धीरे फिर ये जो किसी को कुछ होता था, कोई किसी से दुश्मनी है, उसने मार दिया, वहाँ भाग गया, पुलिस या बाकी चीज़ें ना पकड़े। लेकिन शुरुआत में ये बड़ा एक नोबेल टाइप की सोच थी कि वो क्राइम से नहीं जोड़ते थे उसको, ये था कि बागी है, मतलब बागी जो सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, जो पुलिस के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, जो आर्मी के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, तो ऐसे लोग जाते थे। लेकिन फिर धीरे 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 डाकुओं का वहाँ बसेरा होना शुरू हो गया, और डाकू क्या करते थे, डाका डालते थे, लूटते थे। लेकिन शुरुआत में भी जो डाकू की जो कहानी शुरू हुई वो ये था कि वो अंग्रेज़ों को या मुग़लों को या अमीरों को इस तरह से लूट के और फिर बाकी अपने गांव के अपने बिरादरी के लोगों की मदद करते थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ ट्रेंड ही चेंज हो गया, फिर तो वो किसी को भी लूट खसोट शुरू हो गई, किडनैपिंग शुरू हो गई, फिर एक तरह से दादागिरी शुरू हो गई कि किसी के गाँव में झगड़ा है तो वो निपटारा करने के लिए भी वही मांडवाली कर रहा है, फिर चुनाव में कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा ये भी वो डिसाइड कर रहा है। तो शुरुआत में बागी इसलिए कहते थे कि वो बगावत किसी जुल्म के ख़िलाफ़ करते थे, और इसीलिए हालांकि आज भी चंबल में जो भी होता है वो अपने आप को डाकू कहलाने की बजाय बागी कहलाना पसंद करता है। सर राम जटोलिया जी चाहते हैं कि एक बार आप उनका नाम ले लें लाइव में।
राम जोटोरिया। अच्छा राम जोटोरिया जी, नमस्कार, उम्मीद है अच्छे होंगे आप, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। जीवन जी ने सवाल पूछा और कई लोगों का सवाल है कि सर अभी भी कितने डकैत ग्रुप्स हैं यूपी एमपी की बॉर्डर में, और ये चंबल है कहाँ, यूपी में है कि एमपी में है? जीवन जी अभी भी चंबल में छोटे मोटे हैं, लेकिन मैंने बताया जैसा कि 2005 के बाद, हालांकि उसका एक सलीम नाम का भी एक गैंग वहाँ पे बागी पनपा था डाकू, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका भी सफाया हो गया, तो कोई बड़ा नाम नहीं है, छोटे मोटे गैंग। जैसे एक तो ये फैला हुआ है पूरे आपके मध्य प्रदेश और यूपी का एरिया है, दोनों सीमाएं लगती हैं, तो ये उनमें फैला हुआ है। सर सर्वे जंगल भी है, नदी भी है, पगडंडियाँ भी है, तो वो एरिया काफ़ी बड़ा है और इसीलिए वहाँ सालों लग जाते हैं ढूंढने में। लेकिन अब वहाँ पे डाकू की तादाद और नामचीन डाकुओं की तादाद अब लगभग नहीं है। सर अमित सोनी जी का सवाल है, सर एक बात सचमुच बताना, आज हमारा क्राइम टेक परिवार इतना बड़ा हो गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अमित सोनी जी का सवाल है। अमित सोनी जी, मैं आपको सच जवाब दूँ, आपने पूछा कि इतना बड़ा हो गया क्राइम टेक का परिवार, आपको कैसा लग रहा है? पहले मैं थोड़ी लिबर्टी ले लेता था किसी दिन, अगर शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बाद में नहीं, कि आज बहुत काम है, मूड भी नहीं है, थक गया हूँ, कुछ और भी चीज़ करनी है, चलो आज कहानी नहीं सुनाता हूँ, फिर कभी। बट जैसे ऐसे ये बढ़ रहा है तो एक मुझे, अगर मैं से सोचता हूँ, आज ही मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था, तो एक मिनट को सोचा कि यार गोली दे देता हूँ, बट फिर ख्याल आया कि यही लोग कहेंगे या सोचेंगे फिर कि अच्छा जब तक आप, मतलब इसको वैसे तो सब्सक्राइबर शब्द कहते हैं मेरे लिए, लेकिन ये शुरू से पहले दिन से क्राइम तक फैमिली है, तो आज भी फैमिली है, तो अब फैमिली बढ़ गई है, तो अब आप नखरे दिखा रहे हैं, आप भाव दिखा रहे हो, अब आपका जब मन करता तब आते हो, जब नहीं है तो मत नहीं आओगे, तो ये जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा नहीं, ये बेईमानी नहीं करूँगा, और इसीलिए चलाया, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस अच्छे लगने के साथ साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मैं ज़रा सा भी कुछ दाएँ बाएँ करूँगा तो आप सब मिल के जो है वो मुझे पकड़ लेंगे फ़ौरन, तो उन चीज़ों से डरता भी हूँ, और इसीलिए फिर पहले जो लिबर्टी ले लेता था कि गायब हो जाता था, अब शायद वो ना करूँ। सर बल्लू यादव जी का सवाल है, सर बालाकोट से जो ऑडियो आया है क्राइम तक पर, वो कितना सच है? देखिए ये पूरा ऑडियो सच है, और जो पता नहीं आप किस ऑडियो की बात कर रहे हैं, एक तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जो वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की है, तो वो उसके बारे में तो 110% है कि वो फैक्ट्स है, कि जो POK और बालाकोट के जो लोकल लोग हैं उनकी पूरी बातचीत है। तो आज मंडे, और जैसा मैंने अभी कहा, जिन भाई ने भी सवाल पूछा कि कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फैमिली जब बढ़ती है और इतना सारा प्यार मिलता है, मैं तो मेल पढ़ पढ़ कर ही इतना ज़्यादा वो हो जाता हूँ। एक सिर्फ मैं कहूँगा बिना नाम लिए हुए चलते चलते और इसको रखते हुए, चूँकि क्राइम तक फैमिली की मेम्बर है और उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखा, उनकी ज़िंदगी में शायद कई चीज़ें हुई होंगी, हालाँकि उस मेल को देख के लगा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार आदमी डिप्रेशन में होता है, कई बार आदमी कुछ नेगेटिव सोचता है, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, जहाँ पे नेगेटिव थॉट हो उससे दूर रहना चाहिए, और सिर्फ एक चीज़ मान के चलना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, हम जो चीज़ दे नहीं सकते वो ले कैसे सकते हैं, ये किसी ने कहा था, ये इसलिए है कि अगर हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो फिर हम वो ज़िंदगी ले कैसे सकते हैं, तो ज़िंदगी में उतार। अच्छा दूसरा, हर इंसान के साथ आप, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप अंबानी ही ले लीजिए, आप, हम सब देखते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी, दुनिया के 2, 50 या 5, 10 अमीरों में गिनती, लेकिन क्या उन्हें कभी कोई दुख गम तकलीफ़ नहीं होगी? उनको भी होगी, तो हर इंसान की ज़िंदगी में यह है, दुख और सुख एक साथ चलता है, अगर सिर्फ सुख और खुशी ही खुशी हो तो फिर मुझे लगता है ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है फिर एक ही तरह की रूटीन आप लाइफ जी रहे हो, और सिर्फ गम ही गम हो तब भी आदमी वो हो जाता है, इसलिए हमेशा ये ऊपर वाले ने बैलेंस करके भेजा कि आपके हिस्से में खुशी भी आती है, गम भी आता है, हंसी भी आती है, आंसू भी आते हैं, तो यही ज़िंदगी का एक तो नाम ही इम्तिहान है, लड़ते रहने का नाम है, और ये मान के चलिए कि दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, और हर इंसान सिर्फ हमेशा खुश नहीं होता, उसके भी दुख होते हैं, दर्द होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, और जितनी मुश्किलें हैं मुश्किलों से लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, बस मुझे लगा कि ये कहना चाहिए इसलिए मैंने कहा था, उम्मीद है आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे।
आप सब, लेकिन मेरे बस मेरी यही दुआ है कि पूरा ही जो क्राइम तक की फैमिली हमेशा अच्छी रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे, सारी खुशियाँ ऊपर वाला दे, और यूँ ही आप लोगों का प्यार बस मिलता रहे, बढ़ता रहे। कल फिर 9 बजे मुलाकात होगी और नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।